हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे होम बेस्ड प्रोजेक्ट, कक्षा 5 के अंग्रेजी के प्रोजेक्ट को। बच्चों, हम इस प्रोजेक्ट के 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को पहले ही अपनी पहली वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, जैसा कि हम इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोजेक्ट नंबर 6 ये है, कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द गिवन क्लॉजेस। तो यहाँ पर हमें एक पजल दिख रही है, उनका हमें कुछ क्लॉजेस का यूज़ करके इस पजल नंबर 6 के कुछ क्लूज दिए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का जो क्लू है वो है, वन ऑफ द मैनी सॉफ्ट लाइट पार्ट्स कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी। बर्ड्स के बॉडी को जो सॉफ्ट पार्ट कवर करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बच्चों फैदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फैदर, FEATHER, फैदर, ठीक है। जो सेकंड वाला है वो है द पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप्स। प्लांट के ऐसे पार्ट का नाम बताना है हमें जिससे फ्रूट बनते हैं, तो वो हो जाएगा फ्लावर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने भर भी दिया इसे, FLOWER, फ्लावर। अब हम थर्ड वाला देखेंगे बच्चों। थर्ड वाला है आ क्रिएचर विथ विंग्स। ऐसे क्रिएचर का नाम लिखना है जिसके विंग्स होते हैं, यानी पंख होते हैं। तो ऐसा क्रिएचर है बर्ड्स, बर्ड्स के पंख होते हैं, BIRD, बर्ड। फोर्थ वाला देख लेते हैं, वन हु वीव्स। वीव्स का मतलब होता है बुनना। ऐसा कौन है जो बुनता है? वैसे तो इसका मतलब होता है बुनकर, लेकिन एक ऐसी चिड़िया होती है जिसका नाम होता है बया, जो कि बुनकर अपना घोंसला बनाती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वीवर। तो उसका ये आ जाएगा यहाँ फोर्थ वाला, WEAVER, वीवर, ठीक है। फिफ्थ वाला देख लेते बच्चों, ये है अ प्लीजेंट सीजन। एक ऐसे मौसम का नाम बताना है हमें जो कि सुहावना होता है, तो वो मौसम है बच्चों स्प्रिंग, बसंत का मौसम, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। नंबर 7 ये है बच्चों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ सतीश सेलिब्रेट दिवाली। हम सतीश अपनी दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करता है, इस पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उसे देखकर आप लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है, सतीश सेलिब्रेट दिवाली विथ हिज पेरेंट्स। वे अपने पेरेंट्स के साथ दिवाली मनाता है। ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर पूजा, वो अपने दादा दादी और अपनी बड़ी बहन पूजा के साथ दिवाली मनाता है। ही पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े पहनता है। ईट स्वीट्स, मिठाइयाँ खाता है। एंड लेफ्ट ऑफ फायर वर्क्स, और पटाखे वगैरह फोड़ता है। इन द इवनिंग टाइम, और शाम के समय, ऑल ऑफ अस वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी। शाम के समय सभी मिलकर गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देन स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद सभी जो मिठाइयाँ हैं उसको बांटते हैं। थस ऑल ऑफ अस इंजॉय हिज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस। सभी मिलकर अब दिवाली को इंजॉय करते हैं और खुशी खुशी उसे मनाते हैं। इस प्रकार से आप ये शॉर्ट नोट लिख सकते हैं बच्चों। प्रोजेक्ट नंबर 8 ये है बच्चों, राइट 5 sentences रिलेटेड टू द पिक्चर। हमें यहाँ पर स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर को देखकर हमें 5 sentences लिखना है। तो वो कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। जो पिक्चर है वो हमारे स्कूल की पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने एक सेंटेंस हमें बना के भी बता दिया है, जैसे दिस इज़ माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, 5 sentences बनाना है। जो पहला सेंटेंस है वो है, इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। जो स्कूल है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा साफ और सुथरा है। दूसरा सेंटेंस है, सम बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी ऑन द ग्राउंड। जैसा कि हम देख पा रहे हैं चित्र में कि कुछ बच्चे हैं जो कि हॉकी खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, देयर इज़ अ गुड वेंटिलेशन इन ऑल द रूम्स। जो हमारे रूम्स हैं स्कूल के, उसमें अच्छा वेंटिलेशन है, यानी कि हवा आ जा सकती है। फोर्थ है, आई लाइक इट वेरी मच, मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। फिफ्थ है, आई स्टडी एंड प्ले इन माय स्कूल, मैं अपने स्कूल में पढ़ता और खेलता। प्रोजेक्ट नंबर 9 है बच्चों, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मंथ्स, राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पर हमें कुछ मंथ्स के नेम दिख रहे हैं, जैसे JULY, जुलाई। यहाँ पर कुछ लेटर हमें छुपा दिए हैं, मिसिंग है वो। उन लेटर्स को हमें लिखकर इसमें मंथ्स का नेम लिखना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये वाला है वो है हमारा जून, मे, MAY, मे, यहाँ पर आ जाएगा मे। ये वाला है बच्चों वो है जून, JUNE, जून। ये है अप्रैल, APRIL, अप्रैल।
ये है मार्च, MARCH मार्च, ये यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। ये है अगस्त, अगस्त की स्पेलिंग हो जाएगी AUGUST। तो ये सभी आप यहाँ से देखकर फिलअप कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इनके आंसर लिखे हुए हैं, तो यहाँ से देखकर आप फिलअप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 10, ये है लुक एट पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें एक पैरट की पिक्चर दी है बच्चों, इसे देखकर हमें ये वाले जो सेंटेंस है इन्हें कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ मैंने आंसर लिख लिया, जैसे पहले वाले का आंसर हो जाएगा पैरेट, दिस इज के बाद यहाँ पर आ जाएगा पैरेट, ये यहाँ से देखकर आप लिख लीजिएगा। सेकंड है इट इज़ डैश इन कलर, तो यहाँ पर आ जाएगा पैरेट का कैसा कलर होता है बच्चों, ग्रीन, तो यहाँ पर आप यहाँ से देख के ग्रीन लिख लीजिएगा। थर्ड वाला है इट कैन डैश इन द स्काई, तो तोता क्या करता है स्काई में उड़ता है, तो उड़ने को हम बोलते हैं फ्लाई, तो यहाँ से थर्ड वाले को आप देखकर लिख लीजिएगा। फोर्थ है इट लाइक टू ईट, तोता क्या खाना पसंद करता है, चिलीज यानी मिर्ची, ठीक है, तो फोर्थ में आप लिख दीजिएगा इस जगह पर डैश की जगह पर चिलीज। फिफ्थ है इट इज़ डैश ऑन अ ब्रांच, तो ये पेड़ की ब्रांच पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिटिंग, इस जगह पर आ जाएगा डैश की जगह पर सिटिंग। तो इस प्रकार से ये आपका इंग्लिश का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में।